नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत सन्मति गौशाला में आए हुए हैं, जहां पर 25वां जन्म दिवस है। शशांक जी शेखर, आप जिला एम्बुलेंस प्रभारी हैं और डूंगरपुर में पिछले लंबे समय से कोरोना काल में भी आपकी सेवाएँ सराहनीय रही है। इस अवसर पर आपको हम जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं करते हैं। आपने यहाँ पर हर साल जन्म दिवस हम लोग मिलकर आपका मनाते हैं, लेकिन इस बार आपने एक नई प्रेरणा दी हमें कि हम इस जन्म दिवस को इस तरह से नहीं मनाकर एक ऐसी तरीके से मनाएं जिससे एक प्रेरणा मिले लोगों को। और इसके साथ ही जो एक गौ माता आप पीछे हमारे पीछे देख रहे हैं, गौ माता, इनको बहुत ही बड़ी यहाँ पर गोग्रास करके हमें खुशी मिली। जिस तरह से आपने यहाँ पर गौ माता को अभी चारा खिलाया, हरा चारा खिलाया, तो बहुत ही बड़ी खुशी देखने को मिली जिस तरह से गौ माता हरा चारा खा रही है। तो इस अवसर पर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे दो शब्द कि आपने ये जो प्रेरणा यहाँ पर आकर जो प्रेरणा दी है हमें, इस बारे में दो शब्द आप बताएं। सबसे पहले सभी को धन्यवाद। हर साल मैं अंग्रेजी पत्ती के माध्यम से अपना जन्मदिन मनाता था। केक काटना जो अंग्रेजी पत्ती में आती है, सभी ऐसे करते थे, लेकिन इस बार हमारे सागवाड़ा शहर में गोपाल जी महाराज आए थे और उससे काफ़ी ज़्यादा मैं प्रेरित हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि अंग्रेजी पत्ती छोड़ के अपन कहीं ना कहीं अपने पत्ती अपनाएं, और मैं गौ माता के बीच में आके चारा खिला के और अपना जन्मदिन मनाया। आज मुझे काफ़ी खुशी मिल रहा है और देखिए काफ़ी ज़्यादा गाय आज उत्साहित भी है, काफ़ी ज़्यादा मुझे खुशी मिला। तो मैं बोलना चाहूँगा, आपका जन्मदिन हो, किसी प्रकार के फंक्शन हो, तो गौ माता को खिलाए। और इसी प्रकार एक समाज में हमारे मैसेज आता है, कहीं ना कहीं जो हमारी माता बेजान है और जो बोल नहीं पाती है, उनके लिए हम कुछ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ डोला कल्याण धाम के महंत भरत भाई उपस्थित हैं। सर, इस संबंध में आप भी दो शब्द बताएं, जैसा कि आपने यहाँ पर उनके जन्म दिवस पर गौ माता को गोग्रास करवाया है। मैं तो पहले ये न्यूज़ वाले बापू को, हमारे सब भाइयों के साथ में आपको खूब खूब धन्यवाद देते हैं। हमारी वागड़ धरती के अंदर में, सागवाड़ क्षेत्र के अंदर में ऐसे श्रद्धालु पैदा हुआ है कि हमारी गौ की पालन पोषण करे और रक्षा करे, गौ की सेवा करे। हर भक्त को, हर व्यक्ति को ऐसा धर्म के लिए, गौ माता के सेवा के लिए सबको तन मन धन से खड़ा होकर ये गौ रक्षा करनी जरूरी है। तो ये अपने इंद्र की वर्षा होती है, हमारे वातावरण शुद्ध होता है, ये कोई बीमारी नहीं आती है। ऐसा हम कलाजी बावसी के से विनती करते हैं, हर व्यक्ति से हम विनती करते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर गौ की पालन करें। ऐसे नैसे हमारे साहब लोग हैं, इन्होंने जो आज गौ, इनके जन्मदिन दिवस के हिसाब से आज वो गौ सारा का दान किया है। ऐसा हर भक्त के मन में ऐसी उत्साह पैदा होनी चाहिए कि हम भी गाय का कोई ना कोई सारा पानी, कोई ना कोई हमारे कोई ना कोई प्रोग्राम होता, कोई जन्मदिन होता, कोई अच्छा कार्यक्रम होता है, इस कोई लगन बगन होते हैं, ऐसा अच्छा कोई कार्यक्रम हो, इसके गौ दान करें और अपने गौ को बसावे। जी, यहाँ पर समाज सेवी के पी सिंह जी भी उपस्थित हैं। सर, जैसा कि आज यहाँ पर जन्मदिवस पर जिस तरह से गौग्रास करवाया गया है, इस संबंध में आप भी दो शब्द। पहले तो मैं भाई शशांक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जन्मदिन को एक अलग तरीके से इस गोपाल दास जी के यहाँ आगमन के होने पर वो उत्साहित होकर उन्होंने जो अपना जन्मदिन गौ माता के साथ मनाया, इसलिए मैं उनको बहुत ही धन्यवाद देता हूँ। साथ ही नगरवासियों को मैं प्रेरणा के रूप में यही शब्द कहना चाहता हूँ कि अपने घर में कैसा भी प्रकार का, मतलब कि बच्चा जन्म होता है या बच्चा पहली बार स्कूल पढ़ने जाता है या अपना को मकान बना रहे हैं, खाद मुहूर्त हो रहा है, ऐसे सब अच्छे कार्य में गौ माता को अपनी गौ सेवा में आकर गौ माता से एक प्रेरणा लें कि गौ माता में ये कार्य कर रहा हूँ तो इस कार्यक्रम को मेरा अच्छा बनाया जाए, और गौशाला में आकर गौशाला के आशीर्वाद से वो अपना कार्य प्रारंभ करे, तो बहुत ही गौ माता का आशीर्वाद रहेगा। और समस्त क्षेत्रवासियों को मेरे हाथ जोर से विनती है कि आप अपना अच्छा कार्य गौ माता से ही शुरू करें, देखो आपका कार्य अपने आप होता रहेगा। जय हो गौ माता की। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जगदीश गोपाल महाराज अभी यहाँ पर दो दिन पहले उनकी यात्रा थी, गौ यात्रा, और उसी प्रेरणा को लेकर आपने यहाँ पर गौचारा गौग्रास करवाया है अपने जन्मदिवस पर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस तरह की जो प्रेरणा है, वास्तव में देखी जाए तो बहुत ही सराहनीय है, और इससे लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर गौ माता को हम इस तरह से गौ माता की सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर अपने बिगड़े हुए कार्य और अपने जितने भी कार्य हैं वो पूर्ण होते हैं, और
हर शुभ प्रसंग पर, जैसा कि आपने केपी सिंह जी ने बताया कि किसी भी तरह का कोई शुभ प्रसंग है तो उस अवसर पर गौग्रास करवाकर गौ माता के बीच में आकर अगर उसको हम उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करें तो निश्चित तौर पर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। सागौड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से कैमरामैन जगदीश बुनकर के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागौड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।